सोलन स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व एड्स दिवस मनाया गया। भारत की जनता को इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान इस बीमारी से भारत पर क्या असर हो रहा है और कितने लोग इसका शिकार हो रहे हैं, इस बारे में अवगत करवाया जाता है। साथ ही इस बीमारी की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इतने सालों बाद भी अब तक एड्स का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। इस बार की थीम ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुक्ता गुप्ता ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार पांचों ब्लॉक्स में विश्व एड्स दिवस ऑनलाइन माध्यम से जिला में मनाया गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि अब पहले की तुलना में लोग ज्यादा जागरूक हैं। पहले लोग एड्स का टेस्ट करवाने के लिए संकोच करते थे, लेकिन अब बिना झिझक के वे टेस्ट करवा लेते हैं। यही वजह है कि प्रत्येक माह 2000 लोग टेस्टिंग के लिए सोलन अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें एचआईवी टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर सही समय पर गर्भवती महिला का टेस्ट हो जाता है तो नवजात को एड्स की बीमारी से बचाया जा सकता है। उन्होंने जिला सोलन की संस्थाओं को भी आह्वान किया है कि वे एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभाग का सहयोग करें ताकि इसके प्रभाव को और कम किया जा सके। जैसे कि आप सभी को मालूम है आज वर्ल्ड एड्स डे है और हम लोग जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे पांचों ब्लॉकों में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाँ, उतनी ज्यादा गैदरिंग इस बार नहीं होगी क्योंकि कोरोना की वजह से आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा हम गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि एक ऑनलाइन सेशन भी था जो हम लोगों ने अटेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो बाकी यह है कि इस बार का थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं लोगों से यही आह्वान करना चाहूंगी कि जो है वो जैसा कि मालूम है कि शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सभी को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने भी लोग हैं सब इसमें अपनी भागीदारी दिखाएं और लोगों में अवेयरनेस फैलाने में हमारी हेल्प करें। लेकिन अभी ऐसा है कि इतना साल हो गया है और काफ़ी ज़्यादा इसमें आईसी हुई है एड्स की एक्टिविटी में, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। हम देखते हैं कि अब लोग जो है वो खुद ही टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। हर महीने का अगर हम डाटा देखें तो 1500 से 2000 के करीब लोग जो है वो अपने आप ही हमारे पास हॉस्पिटल में काउंसलिंग के लिए आते हैं, आईसीटीसी काउंसलर के पास आते हैं। और इसी तरह 800 से 1000 लोग जो है वो एसटीडी एसटीआई की काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं हर महीने। अब जो है हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध है कि जो हम आने वाले बच्चे को, जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको हम एड्स से उसका बचाव संभावित है। तो ये वाली अवेयरनेस जो है अभी लोगों को थोड़ा इसके बारे में अनभिज्ञता है, तो मैं लोगों को अपील करूंगी कि इसके बारे में और थोड़ी सी अवेयरनेस हो। जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो हॉस्पिटल में आए और अपना एड्स का चेकअप जरूर करवाएं। शुरुआत में बहुत ज़्यादा था इसमें संशय होता था लोगों को कि हम कैसे टेस्ट करवाने आए हैं, क्या करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास थोड़ा सा एआरटी जो मेडिसिन है वो भी अवेलेबल है, जो जिससे कि जो है वो एचआईवी पेशेंट्स की जो लाइफ है वो जो नॉर्मल लाइफ जो है अपना वहन कर सकते हैं, उनकी लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है इन मेडिसिन के सेवन से। दिन में एक बार उनको ये दवाई लेनी होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कई सारी दवाइयाँ उनको लेनी पड़ती हों। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि वो एआरटी की मदद से अपनी लाइफ को भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और आने वाले होने वाले नए बच्चे में को भी एड्स होने से रोक सकते हैं।